सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति के लुक पर टीएमसी नेता ने किया कमेंट, पूछा हमारी राष्ट्रपति कैसे दिखती है, बीजेपी ने ममता को बताया आदिवासी विरोधी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया मतदान, लोगों से की ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील। भाजपा वादा निभाती तो चुनाव के बाद शिंदे ही बनते सीएम, जेल से बाहर आने के बाद बोले संजय राउत। ठग सुकेश चंद्रशेखर का सीएम केजरीवाल पर एक और लेटर बम, अब पॉलीग्राफ टेस्ट की दी चुनौती। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को झटका, शिवसेना सांसद गजानंद शिंदे गुट में हुए शामिल। अंबेडकर नगर में डेंगू के डंक से हाहाकार, बुखार के मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। हमीरपुर में पुलिस की एक बार फिर बड़ी लापरवाही आई सामने, दरोगा तीरथ राज पांडे ने मोटरसाइकिल पर काटा सीट बेल्ट का चलान। कानपुर में ठेला लगाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। लखीमपुर खीरी में सीएमओ खीरी के वायरल वीडियो की हुई जांच, शराब पीकर हंगामा करने के मामले में सीएमओ अरुणेंद्र हटाया गया। लखनऊ में बारात में शामिल मारुति वैन में लगी भीषण आग, आतिशबाजी की चपेट में आने से धू धू कर जली मारुति वैन। मिड टर्म इलेक्शन में बाइडेन ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला, 50 साल के राष्ट्रपति की पार्टी नहीं जीती। ब्रिटेन में रहने वाले भारत वंशियों पर पीएम सुनक से उम्मीद, ऋषि सुनक ब्रिटेन की आर्थिक सेहत सुधारें, भारतीय प्रवासियों के लिए राह खोलें। यूएन में भारत का सीएए पर जवाब, ये भारतीयों को नागरिकता देता है, उनसे सिटीजनशिप छीनता नहीं। पाकिस्तान में वापसी को तैयार पूर्व पीएम नवाज शरीफ, जारी हुआ राजनयिक पासपोर्ट। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने रूसी प्रतिनिधि से की मुलाकात, खाद्यान्न निर्यात समझौता पर चर्चा। एक्सपेरिमेंट्स में बुराई नहीं, नतीजे भी मिले तो चहल के कोच बोले, उससे पहले मैच से ही खिलाना था। भारत के जख्मों पर पाकिस्तानी नमक, रमीज राजा बोले अरबों डॉलर के आईपीएल का क्या फायदा, स्वैब ने कहा बहुत गंदा हारे आप। वर्ल्ड कप फाइनल पर बारिश का खतरा, मैच के लिए रिजर्व डे, फिर भी खेल नहीं हुआ तो इंग्लैंड पाकिस्तान शेयर करेंगे ट्रॉफी। भारतीय खिलाड़ियों पर बरसे सुनील गावस्कर, बोले आप आईपीएल खेलते हैं तब वर्क लोड क्यों नहीं होता। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया का बयान, कहा रवि अश्विन को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। कांतारा के केजीएफ 2 को छोड़ा पीछे, फुटबॉल्स के मामले में निकली आगे, अब तक बिके 1 करोड़ टिकट। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को ग्लोबल आइकॉन ऑफ सिनेमा एंड कल्चर नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिल्पा सेट्टी ने शेयर किया मजेदार वीडियो, खुद को फिट रखने के लिए दिन में 10 बार खाती हैं खाना।
सिद्धांत के निधन पर इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर। को एक्टर्स ने जताया दुख, बोले वो फिटनेस पर बहुत ध्यान रखते थे। योगा क्लास के बाहर स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा, 49 साल की उम्र में भी रोज करती हैं एक्सरसाइज। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।